थैंक यू सो मच पापा जी इतना मेरे लिए बोलने के लिए, पर आपको बोलने के नहीं है कि बस हम अपना काम करेंगे, क्या बोलते हैं, बस हम अपना काम करेंगे, अगर इनको अच्छा लगेगा तो खुद ही सपोर्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, बस इनको अच्छा लगना चाहिए हम जो भी कंटेंट डाले, क्या बोलते हो, नहीं ये तो मेहनत तो आपने करनी है, रात दिन तो आपको चलना ही पड़ेगा। और मैं और पापा जी जा रहे हैं, देखो इस प्रकार से जी जैसे ही बाहर निकला हूँ, और आप देख सकते हो आज है बारिश का मौसम, तो बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आज बारिश हो रही है। अभी मैं आया हूँ इस साइड और मौसम चेक कर सकते हो, तो ये वाला मौसम बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद देखने को मिला है, और बादल देखिए कैसे दिख रहे हैं इस टाइम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं और पापा जी आज जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो चलो बिना देरी के पहले घर से निकलते हैं, फिर आपको रास्ते में जाके मिलते हैं। तो बिना देरी के आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, तो बने रहो हमारे साथ। तो अभी तेल डलवा लेते हैं, 500 में 4 रने, 1 2 3 4, तो पहले खाली था बिल्कुल ही, चलते हैं अब। तो हम अभी पहुंच चुके हैं चिंतपुर्णी में, हम अभी इस रोड से आगे जा रहे हैं। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पे, और मैं आपको बता दूं ये अभी हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो पापा जी को जरा जॉब के उसमें थोड़ा काम था यहाँ पे, तो मैं आया था पापा जी के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग भी बनाऊं, और इसका टाइटल भी यूनिक रखेंगे कि पापा जी के साथ घूमी जाए ऐसे कुछ करके, ताकि कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगे, है ना। टाइटल में तो आप देख सकते हो इतना अच्छा लोकेशन है, तो इससे आगे हम थोड़ा आगे और जाएंगे, और आपको ना इतनी अच्छी लोकेशन देखने को मिलने वाली है थोड़ी देर के बाद, आप बोलोगे कि नहीं यार वाकई मतलब कि सच में लोकेशन है। अभी हम इस लोकेशन पे पहुंचे, और व्यू देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे, ये सामने दरिया है, ऊपर वो देखो ये सारा दरिया है यहाँ तक, ये देखो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वहाँ से हम आ रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, ये रोड जाता है सीधा भद्रकाली को शॉर्टकट, तो बीच बीच में से होके सीधा ये भद्रकाली को जाएगा, फिर उसके बाद सीधे मुबारकपुर होके फिर हम घर पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल देखिए कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है इस टाइम का, और आसपास का व्यू देखिए कितना ही खतरनाक व्यू है। अब मैं फ़ोन दे देता हूँ पापा जी के पास, तो आपको चलता चलता व्यू ही सारा दिखेगा। और थोड़े दिन पहले ये वाला रोड इतना ज़्यादा ख़राब था, आज से 2 साल या 3 साल पहले तो यहाँ पे चला भी नहीं जाता था, और आज देखिए रोड पूरा ठीक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका है इस रोड पे, वरना इस रोड पे चढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा टफ होता था 2 या 3 साल पहले, और सारा कच्चा होता था, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती थी इस रोड पर, मतलब चल भी नहीं सकता था बंदा ढंग से। और मैं और पापा जी जा रहे हैं, देखो इस प्रकार से, पापा जी हो गया आपका काम, हो गया, तो काम तो हो चुका है कंप्लीट, तो हम जा रहे हैं अभी घर को, और आगे जाके आपको एक और व्यू बताऊंगा, वो भी बहुत ही अच्छा व्यू है। तो अब चेक करिए क्या ही व्यू है, देखो ये दोस्तों ऊना डिस्ट्रिक्ट की ही स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे पहाड़ है, और मतलब चीलों के पेड़, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती यहाँ की बढ़ा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं आंबे यहाँ पे, और देख सकते हो ओ भाई व्यू देखिए कितना खतरनाक आ रहा है यहाँ, पापा जी वहाँ पे बूटे ले रहे हैं, जैसे बूटे होते हैं मिर्च वगैरह के, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं घर को। अभी जो आज काम था तो फिर करके आए, है ना, तो हो गया आपका काम, बढ़िया हो। तो दोस्तों आज फर्स्ट बार मैं अपने पापा के साथ ये ब्लॉग बना रहा हूँ, और पहले कभी भी ऐसे खुल के हमने ब्लॉग नहीं बनाया है, तो अभी आपने इतना तो कर ही दिया है कि पापा को थोड़ा वीडियो भी लेके आ सकूँ, और ये आपका प्यार है, और जिनका मेरे पे प्यार है तो उनको भी आपके सामने लेकर आना बनता है मेरा। तो पापा जी आप इतने दिनों के बाद जब फर्स्ट बार आप ब्लॉग में आए हो, तो क्या बोलना चाहते हो आप? मैं सभी
मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत का फल मीठा होता है जी। जिंदगी में जिस इंसान ने मेहनत किया है रात दिन, ये काम होते हैं रात दिन के, जिसने मेहनत किया है वो कामयाबी के शिखर के ऊपर बुलंदियों में पहुँचा है। हम भी देखते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, और हम चाहते हैं अगर मेरा बेटा ये काम कर रहा है और ये भी आगे बढ़े, इसलिए हम साथ दे रहे हैं अपने बेटे का, ये अच्छा काम करे आगे बढ़े, हमारा भी नाम रोशन हो, हमारे परिवार का नाम रोशन हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी है आपके यार दोस्त, आपका जो देखने वाले जितना भी हमारे साथ में जुड़े हुए आदमी हैं जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर बच्चा मेरा मेहनत कर रहा है तो उसको सहयोग दिया जाए। तो आप जरूर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब और दबा के शेयर कर देना, क्योंकि इतने ब्लॉग बनाने और तो बहुत ही मेहनत लगती है। और मैं सच में बताना चाहता हूँ कि पहले मेरे को फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था, और अब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मेरे को करते हैं मेरे पापा, और ये सभी आपके प्यार की वजह से हुआ है, आपने प्यार किया है तभी घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ, पापा आपने आईफोन लेके दिया ना अभी, तो मैं बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कुछ दोस्तों को कि आप भी अगर आप छोटे हो या आप ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आप ऐसे परेशान मत करना। मेरे को कम से कम भी 5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, और मैंने कभी भी पापा को फालतू कभी आपको तंग तो नहीं किया मैंने नहीं। कि मेरे को कैमरे चाहिए ऐसे चाहिए, है ना, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, तो पर अभी जाके आईफोन लिया तो आप ऐसे परेशान मत करना। तो मैंने वो दिया भी, मेहनत का फल मीठा होता है, सही बात है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, मेहनत नहीं करेगा जी घर वालों के ऊपर बैठा रहेगा, फिर घर वाले सब कुछ करेंगे तो वो नहीं चलता है, परिवार भी चलाना हमने सब कुछ देखना है, उसके साथ ही अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं भी साथ दूंगा, तभी आगे बढ़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहता है तो रात दिन मेहनत करनी ही पड़ेगी, जिंदगी में मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो माँ बाप को भी नीचे लगा दोगे। थैंक यू सो मच पापा जी, इतना मेरे लिए बोलने के लिए, पर आपको बोलने के वो नहीं है कि बस हम अपना काम करेंगे, क्या बोलते हैं, बस हम अपना काम करेंगे, अगर इनको अच्छा लगेगा तो खुद ही सपोर्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, बस इनको अच्छा लगना चाहिए हम जो भी कंटेंट डाले, क्या बोलते हैं, तो बाकी अब बस इतने करते हैं क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा बन जाएगा ना। तो दोस्तों ऐसा कुछ हमारी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठे हैं तो चलो आपके सामने भी थोड़ा पापा का मतलब कुछ ब्लॉग बनाया जाए, तो ऐसे अब हम बातें करेंगे, रात हो चुकी है तो ऐसे ही थोड़ी देर बातें करेंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे फिर जाएंगे। सो दोस्तों ऐसा कुछ आज का हमारा ब्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर करना। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।